देखो यार, ये वही कलमुई होती है जो बेलना को देख के लुल्ली समझने की असफल प्रयास करती है, क्योंकि यार इसके अंदर हवस फुस फुस कर फुस फुस कर फुस फुस कर राजा रहता है। क्या सीन है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू भोजपुरी चिलीज। मैं रुधीर, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं रोस्ट एचटी की वीडियो, भोजपुरी कॉमेडी केप कॉमेडी रोस्ट, भोजपुरी कॉमेडी वीडियो, भोजपुरी सॉन्ग एंड रोस्ट एचटी। ओके, तो चलो यार ये वीडियो देखते हैं। मतलब वही है केप कॉमेडी, ठीक है। तो जो जिन्होंने दिन दहाड़े भोजपुरी का नाम एकदम डुबो रखा है धरती के नीचे, पाताल में घुसा रखा है उसे, ठीक है, और उसी कैप कॉमेडी का रोस्ट हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं आज ये रोस्ट एचटी की मेरी पहली रिएक्शन वीडियो है, ठीक है। अगर आपको इनका कंटेंट पसंद आता है या फिर मेरे रिएक्शन इन पर पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इनकी और ज़्यादा वीडियोज़ के रिएक्शन लेकर आऊँगी। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। मैं जब शादी भर रहे हमारा आदमी के हत्ता बड़ा हत्ता मोट के, तब तो भैया जी का सामान देख के ही तुम्हारा मुतवास निकल जाता होगा, वो भी स्लो मोशन में। देखिए मैडम जी, मोबाइल चाहे कितना बड़ा हो, सिम कार्ड सब में बराबर ही लगता है। तुम्हें इतना बड़ा और इतना मोटा क्यों चाहिए मैडम जी, क्यों चाहिए? साफ साफ लफ्जों में क्यों नहीं बोल देती, मेरे को खवाना नहीं खुदबाना है। जबरदस्ती घास काटे आयल बनी, अगर क्यों जबरदस्ती ठोक ठाक देलस ना। देखिए मैडम जी, खजाना लूटने का इतना ही डर है तो कुछ इस मैडम जी से सीखिए, ये अपना खजाना कैसे बचाती है। देखो राखी सावंत, राखी सावंत सीरियसली। सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप। आज अपन लोग बात करने वाले कैप कॉमेडी वीडियो के बारे में। देखो यार, कैप कॉमेडी वीडियो और पोर्न में ज्यादा अंतर नहीं है। तो देखो यार, पोर्न में सामान दिखाकर खड़ा किया जाता है और इसमें बकचोदी करके। तो भैया इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि यार आप लोग जो प्यार हरा सब जो कमेंट किए हो ना, वो सब कमेंट इस वीडियो में लाया है। मतलब कौन कौन क्या कमेंट किया उसका जवाब भी देंगे, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना, तभी आप लोग को पता चलेगा क्या क्या कमेंट किया है, कौन कमेंट किया। तो चलो यार लगा इंट्रो। पूछू नहीं के भाई, तो हमारा में घुस दे तो घुसा लगता। हाँ मैडम जी, आप बिल्कुल सही बोल रही है, इसका सामान में तो कुतुब मीनार भी बड़ी आसानी के साथ फिट हो जाएगा। अबे इतना फैल थोड़े होता है। देखो यार, ये वही कलमुई होती है जो बेलना को देख के लुल्ली समझने की असफल प्रयास करती है, क्योंकि यार इसके अंदर हवस फुस फुस कर फुस फुस कर फुस फुस कर राजा रहता है। क्या सीन है। बोला था नहीं कि दुबी तो करवाने वाले की ना ना जी, मैं गड़ी ना। बड़का बड़का खुट्टा अपने अंदर में ले लेती है, लेकिन छोटा मोटा घास से इसको डर। वाह पेंचू वाह, अद्भुत बकचोदी। मत बिल्कुल वही तरह बुझाता, मुर्ख सब चीर देने वाला, दोनों और यही मुर्ख सब घुसा। अरे हाथ दे भाई, पेड़ के साथ बोल गारंटी क्यों कर रही है। लंड लगा था जी। वाह क्या दिमाग है। नहीं नहीं क्या दिमाग है, तुम्हारे जैसे वैज्ञानिक का तो इस देश को भरपूर जरूरत है। जंगल में पलवेले बड़ू का नहीं यार, ये भी कोई पूछने वाली बात है। ये मैडम जी तो 100 बार जंगल में मंगल करती है, वो भी अलग अलग बंदरों के साथ। जान लो, अगर हम ऐसे ब्याह न कर तो बान्हे में कार में ऊख में गाछी में सब पर लीची गाछ पर तार के गाछ पर चढ़ के ठोकवाए पिलवाए। वाह रे आवस के पुजारी वाह, ताड़ के पेड़ पे चढ़ के ठुकाए। देखना मैडम जी, ताड़ का पेड़ बहुत ही लंबा होता है और बहुत ही मोटा होता है, देखना कहीं तो हर सामान न फट जाए। बिना केहू से कहा ले, आज हम भैया लेके न सूते हम, ठीक बा। हाँ। आज के हम छोड़ दे, हम का करें, रोज तो बुर मरवाई ले, एक दिन ना मरवाए। मतलब रोज रोज मरा के मैडम जी का मन भर गया, आज मैडम जी सामान में उंगली करेगा। उंगली से का होगा रे, बिजली का खंभा डालना पड़ेगा। बकलोलवा कई का क्या क्या बोलता है बेटी चोत। देखो यार कैसा असली लड़का है बेटी चोत, क्या क्या बोल रहा है। आई वो बात को आई। हाँ, कही आदमी आदमी तो भूखे लाए गाछो में करे लसन। हाँ हाँ, एक को गाँच देखो न बूढ़ ले खाएगा फैल रहेगा। अद्भुत बकचोदी, यही बकचोदी देखने के बाद मेरे को लग रहा है इसका तो जोनी भैया भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। मतलब जो तो कुछ उखाड़ना नहीं है सामान में, भला को अपना है। मैं
घर में हीरोगिरी न चली, घास फूस काटे आयल बानी तो यहाँ थोड़ी न चली। हाँ मैडम जी, हीरोगिरी घरे में चली, क्योंकि यार जो बुड्ढा तुमको देख के 2 साल जिंदा रहने की सोचेगा वो तो हिला हिला के 1 ही साल में गुजर लेगा। इकरा के खोजा था, हाँ मोट भाईसा हाटा काटा एकदम मोट लॉन्ड वाला। सही कहा था। देखो मैडम जी, भैंसिया का तो पता नहीं, लेकिन तुमको जरूर चाहिए मोटा वाला सांड। लेकिन मैडम को तो गधा वाला चाहिए। अब इसे तुमको किसे पता बे? ओ हाँ हाँ, तुम तो उसका पिए हो ना, तुमको तो सब कुछ पता रहता है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी हमरा बुझाता नहीं। हाँ। कि जौन जौन आवत है ये देख के मुठ मार के गिरावत है। देखो मैडम जी, पेड़ को देख के कोई हिलाए या ना हिलाए, लेकिन तुमको देख के जरूर कोई हिलाता होगा। जब बेइज्जती है। अरे कोई बैठो, कोई बोलो ना। देखो एक बार कहा था नहीं, ज्यादा ठोक ले पन्ना का बेटा तो जान लिए झोटो खर खर के। तो हम जब एक बार ठुकवाना था तो नहर पे कहे गई थी, खड़े खड़े ठुकवा लेती। अबे भोसड़ी के खड़े खड़े मजा नहीं आता है। वैसे तुमको कैसे पता? अबे सिंगा लू चूतिया नहीं, गजब बेइज्जती है। तो घोरे में घुस के पेलवाईला। इतनी देर से मतलब घास काट रही, एक तिनका नहीं है टोकरी में, एक तिनका। देखिए मैडम जी, करवाने वाला चीज है, बढ़िया लगा होगा। मैडम जी एक बात बता देता हूँ, तुम लड्डू गुस्सा में खाओ या फिर मैं, वो मीठा ही लगेगा। अबे इसका क्या मतलब हुआ? अबे चौथू, कहने का मतलब ये है कि तुम किसी को जबरदस्ती पेलो या फिर खुशी खुशी पेलो, मजा तो वही आने वाला है ना। तू तो भैया के लेकर सूझ जालू। हाँ आई हमारा के रात भर तबाह करी, रात भर चिल्लाई, एकर भाषा तो हम समझी ले। अच्छा से भोजपुरी बोलना तेरे को आती नहीं, लेकिन चला है भैसिया का भाषा समझने। मैडम जी तुम कहना क्या चाहती हो? ई लोंडिया नहरी में ना ठुकवा के जाके रोड पे ठुकवाए, ताकि कोई भी आके बोले मेरे को भी एक्टिव। गलत बात। आज न तो बिहान एकर गुर के शांत हमने को अबे बेचारे भैंस को छोड़ दो, छोड़ दो कसम से, छोड़ दो उसे। हो जाए लेकिन तोहरा के शांत कौन करी? हम का है बे, खाली हिलाने के लिए हम शांत कर देंगे। देखो बेटा, वो ठहरी समुंदर और तुम ठहरे छोटा सा नहर, जैसे ही तुम उसमें समाने की कोशिश करोगे, मतलब तुम ध्वस देने की कोशिश करोगे, बेटा लापता हो जाओगे, इसीलिए सावधान रहे, सतर्क रहे। तो यार यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म। एंड भाई साहब, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा, एक वो मतलब पेड़ से कितनी ज़्यादा वल्गैरिटी कर ली, मतलब जितनी भी इसमें औरतें थी हैं, ठीक है वो पेड़ है, नॉर्मल सी बात है भैया, गिर गया होगा पेड़ यार, ठीक है। और उसको सोच सोच के क्या क्या दिमाग में आ रहा है उन औरतों के, मतलब सारा कुछ उनने निकाल दिया भैया कैमरे के सामने कि हाँ ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है, पेड़ को देख के वल्गैरिटी करी, घनचक्कर औरत, मतलब क्या है यार, नेचर को तो छोड़ दे, वो बेचारी भैंस भी सोच रही होगी इससे अच्छा था भैया मैं तबेले में बंदी रहती, इन लोगों के साथ मैं क्या कर रही हूँ, मतलब कसम से उसको भी शर्म आ रही होगी। खैर यार यहाँ पे मतलब ख़त्म करते हैं ये वीडियो, ठीक है। तो यार मुझे मतलब रोस्ट अच्छा लगा, ठीक है, और ठीक ठाक था। इनकी अदर वीडियोज़ भी अगर आप मतलब कमेंट्स में बताते हैं तो मैं लेकर आऊँगी उनकी रिएक्शन भी, या फिर देखते हैं भाई टीम क्या डिसाइड करती है, ठीक है। तो चलो यार यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म करते हैं और मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में।